आज मैं आपको एक नए तरीके का शरबत बनाना सिखाऊंगी। शरबत तो आप लोगों ने बहुत तरह के सीखे होंगे, लेकिन ये एक बिल्कुल नई तरह का शरबत है। इमली आलू बुखारे का शरबत तो आपने बहुत ज़्यादा पिया भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो है खुबानी और इमली का शरबत। तो बनाना शुरू करते हैं। शरबत बनाने के लिए मैंने ये खुबानियाँ ली, सूखी खुबानियाँ साबत वाली, और इनकी मैंने इस तरह गुठलियाँ निकाल दी। इनको मैंने रात भर भगो के रखा, क्योंकि ये सूखी वाली होती हैं, इनको ज़्यादा देर तक भगो के रखते हैं। तो खुबानियों से मैंने इस तरह गुठलियाँ निकाल दी हैं, देखिए बड़ी आसानी से निकल जाती हैं। गुठलियाँ अलग कर देनी हैं, इस तरह निकाल के इन्हें अलग कर देना। अब खुबानी और इमली के शरबत में डालने के लिए जो और चीज़ें चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। खुबानी के शरबत में डालने के लिए ये मैंने इमली का पल्प लिया है, ये मीठी चटनी है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको पहले ही भी बनाना सिखाई है कि इमली की मीठी चटनी कैसे बनाते हैं। ये उसका मैंने पल्प लिया है, ये तकरीबन आधा बाउल, और ये चीनी ली है एक बाउल, ये थोड़े से पुदीने के पत्ते, और ये आधा छोटा चम्मच काला नमक जाएगा शरबत के अंदर। तो अब हम शरबत बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जग में ये खुबानियाँ डालेंगे। और ये इमली की चटनी, और ये साथ ही चीनी, यानी सब चीज़ें एक साथ डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। बहुत ही अच्छी तरह ग्राइंड करना है बारीक। ये काला नमक और ये पुदीने के पत्ते, अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। अब हम जग के अंदर ये थोड़ी बर्फ़ डालेंगे और इसको दोबारा से ग्राइंड करते हैं। शरबत को अब हम स्ट्रेन करते हैं। एक छलनी लेके उसके अंदर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता डालना। खुबानी और इमली की चटनी का शरबत बिल्कुल तैयार हो चुका है। इससे आप इफ्तार करें और शरबत को पिए, ये बहुत ही ठंडा होता है। सारा दिन की जो गर्मी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।